सुबह सुबह पवन अनुता के फैंस को एक ऐसी न्यूज मिली कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, बल्कि आप खुद ही देख लीजिए। और इन फोटोज को देखने के बाद आपकी नजरें यहां से हटने वाली नहीं है। इन्हीं फोटो पर कुछ मिनट के लिए आपकी नजरें टिक जाएंगी। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए लाल साड़ी में कहर ढा रही अरुणिता का तहलका वाला रूप आपको भी दिखाई देते हैं, जिसमें अरुणिता ने भाई बिजलियां गिरा दी हैं और लोग अरुणिता का ये अंदाज देखकर शॉक रह गए। सुबह सुबह अरुणिता ने रेड साड़ी में सबकी कपकपी बढ़ा दी। एक तो वैसे भी इतनी सर्दी, ऊपर से अरुणिता की इस फोटो ने सर्दी और बढ़ा दी है। जी हाँ, तेरे नैना गाने के दिलचस्प रोमांटिक पिक्चर्स आ चुके हैं, जैसा कि हम आपको तेरे नैना का पोस्टर पहले ही दिखा चुके हैं। अब इसके कुछ और दिलचस्प पिक्चर्स सामने आ चुके हैं और जब तक आप इन पिक्चर्स को देखेंगे तब तक शायद तेरे नैना का टीजर भी रिलीज हो जाए। जी हाँ, कुछ ही घंटों में तेरे नैना का टीजर रिलीज होने वाला है। पवन अनुता के फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिसका इशारा पवन अनुता के कुछ फैंस ने कर दिया। दरअसल चॉकलेट पाई की तरफ से अरुणिता के कुछ दिलचस्प पिक्चर शेयर किए गए हैं, जो कि तेरे नैना गाने का हिस्सा हैं। इन पिक्चर्स में अरुणिता वही रेड साड़ी पहनकर मुस्कुरा रही हैं, रेड साड़ी में पोज दे रही हैं। हालांकि इन पिक्चर्स में अरुणिता के पास पवनदीप नहीं है, बल्कि चॉकलेट बॉय खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर इस वक्त पवनदीप उनके पास होते तो वाकई इस फोटो का मजा दोगुना हो जाता है। अरुणिता के साथ फोटो शूट करवाते दिखाई दिए। लद्दाख में ये गाना शूट किया गया, ऐसे में वेदर देखकर दिल खुश हो जाना है। और पवन अरुणिता की लविंग केमिस्ट्री तो वैसे भी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो फैंस दिल थाम कर बैठे, क्योंकि ये गाना ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इस गाने को शूट करने के लिए पवन अरुणिता को काफी पापड़ बेलने पड़े। सुनने में आ रहा है कि लद्दाख में कई ऐसी झीलों पर पवन अरुणिता को फोटो शूट करवाना पड़ा, जहां इनके लिए बहुत मुश्किल था। बर्फ पर भी पवन अरुणिता ने इस गाने को शूट किया। ऐसे में बहुत दिलचस्प सीन आपको दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आपको अरुणिता का ये अंदाज कैसा लगा और आप इनके तेरे नैना गाने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता कांची लाल को मनाने के लिए कुछ इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप देखकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। और एक बार फिर आप यही कहेंगे कि अब तो अरुणिता को मान ही जाना चाहिए, क्योंकि पवनदीप अरुणिता के लिए जो कर रहे हैं वो शायद किसी के लिए नहीं कर सकते। और अरुणिता उदास हैं और उन्हें मनाने में पवनदीप ने मंच पर अब सारी कसर पूरी कर दी है, लेकिन अरुणिता के चेहरे पर हंसी तक नहीं आती है। अरुणिता भी जिद्दी बहुत हैं, वो पवनदीप से और क्या क्या करवाती हैं और वो कैसे मानती हैं, वो सब आप इस वीडियो में देखिए। अरुणिता पवनदीप से सब कुछ करवा लेती हैं और पवनदीप भी पीछे हटने वाले नहीं है, वो अरुणिता को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। एक बार फिर मंच पर पवन अरुणिता का नोक झोंक वाला मोमेंट देखने को मिला। अरुणिता मुंह फुलाए खड़ी हुई है, ना जाने किस बात से अरुणिता अभी तक नाराज थी, पवन से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी, लेकिन मंच पर पवनदीप ने ये नाराजगी दूर कर दी। जी हाँ, अरुणिता पवन को देख तक नहीं रही थी, बात करना तो छोड़ ही दीजिए। अब पवन उनके पास आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अरुणिता वहाँ से हट जाती हैं। इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद भी पवनदीप हार नहीं मानते और जब मंच पर अरुणिता गाने के लिए आती हैं, तो उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कान पकड़कर माफी मांगते हैं। जी हाँ, फोटो में पवनदीप कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं और चेहरे पर स्माइल है, और ये सब देखकर अरुणिता पिघल जाती हैं, क्योंकि पवन ने तो अब कान पकड़कर माफी भी मांग ली है। और फिर क्या, पवनदीप का क्यूट अंदाज देखकर अरुणिता के चेहरे पर हंसी आ जाती है और फिर वो भी खास तरीके से रिप्लाई करती हैं। जी हाँ, अरुणिता मंच पर खड़े होकर थंब दिखाकर इशारा करती हैं कि अब ठीक है। अरुणिता के चेहरे की हंसी देखकर पवनदीप भी हंसते हैं और फिर से इस जोड़ी का लविंग क्यूट रोमांटिक अंदाज पर लोग फिदा हो जाते हैं। तो आप इनके इस मोमेंट पर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फाइनली पवनदीप के करीमगंज से कुछ फोटोज आ चुके हैं। पवनदीप भी करीमगंज पहुंच चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पवनदीप अलग पहुंचे और अरुणिता अलग पहुंची। अरुणिता कल ही करीमगंज पहुंच चुकी थी, जबकि पवनदीप रात को करीमगंज पहुंचे। करीमगंज से जो वीडियो सामने आई है उसमें पवनदीप कार में बैठे नजर आ रहे हैं, और जैसे ही पवनदीप के आने की खबर लोगों को मिलती है, लोग उनकी कारों के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं और भीड़ की वजह से पवनदीप कार से बाहर निकल ही नहीं पाते और वो अंदर से ही सबको हाय हेलो करने लगते हैं। वहीं पवनदीप की कार में और भी लोग बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें कहीं भी अरुणिता दिखाई नहीं दी, जबकि दोनों का एक साथ एक ही जगह पर शो था। फिर दोनों अलग अलग क्यों पहुंचे, इस बारे में जानने के लिए फैंस बहुत घबराए बैठे हैं और दिलचस्पी भी ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब पवनदीप अरुणिता एक ही शो के लिए अलग अलग पहुंचे। क्या पवनदीप अरुणिता के बीच लड़ाई हो गई है? वहीं शो से जुड़े कुछ और भी वीडियो सामने आ चुके हैं। साउंड चेक करवाते वक्त भी पवनदीप
अकेले ही दिखाई दिए। यहाँ भी अरुणिता नहीं दिखी और पवनदीप के चेहरे पर उदासी भी दिख रही है। पवनदीप अरुणिता के बीच अगर लड़ाई हुई है या किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ है तो ये खबर फैंस को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि फैंस को इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। फैंस हमेशा इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं, यहाँ तक कि इन्हें शादी के बंधन में भी देखना चाहते हैं। लेकिन सच में क्या है, क्यों पवनदीप अरुणिता अलग अलग पहुंचे और एक साथ अभी तक नहीं दिखाई दिए, क्या है पूरी वजह, हम आप तक जल्द पहुँचाएंगे। अरुणिता कांचीलाल नेक्स्ट शो के लिए तैयार हो चुकी हैं और इन्होंने इस शो के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी कर ली है। उन्होंने लाइव आकर अपने फैंस को बड़ी जानकारी भी दे दी है। अरुणिता ने अपने फैंस को बताया कि वो इस शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप सब भी तैयार हो जाएं 18 दिसंबर के लिए। अरुणिता ने और क्या क्या कहा आपको सुनकर झटका भी लगने वाला। दरअसल उड़ीसा के लिए अरुणिता निकल रही है 18 दिसंबर को। उड़ीसा के बालासर में अरुणिता का ग्रैंड शो होने वाला है। इस शो में अरुणिता अकेले ही जा रही है और फिर से अरुणिता को अपनी सेफ्टी को लेकर डर सता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अरुणिता असम गई थी और वहां जाकर अरुणिता ने मंच पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी, धमाल मचाकर रख दिया, लोग उनकी तारीफ करते दिखाई दिए। एक के बाद एक जबरदस्त गाने गाकर अरुणिता ने दिल खुश कर दिया। अरुणिता की परफॉर्मेंस को पवनदीप ने लाइव देखा, वो भी देखते ही रह गए। जिस तरह से अरुणिता का कॉन्फिडेंस देखा गया वो वाकई जबरदस्त था, इसी पर लोग फिदा हो गए। अरुणिता ने न केवल गाना ही गाया बल्कि भीड़ में जाकर लोगों को माइक देती नजर आई, उनके साथ गाना गाती नजर आई, खूब एंटरटेनमेंट किया। अब फिर से अरुणिता उड़ीसा में यही करने जा रही है। इस बार अरुणिता उड़ीसा में क्या नया करने वाली है, हर एक खबर हम आपको देते रहेंगे। आप भी अरुणिता के फैंस हैं और उनके इस शो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भाई आपको बता दें, इस बार अरुणिता पवनदीप के साथ नहीं जा रही है क्योंकि वीडियो में सिर्फ अरुणिता ही दिखाई दे रही है। येल्लो कुर्ता पहने अरुणिता बता रही है कि इस शो के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उड़ीसा में वो पहली बार जा रही है। वहीं अरुणिता अकेले ही जा रही तो डर भी सता रहा है क्योंकि हाल ही में जिस शो में गई थी उस शो में अरुणिता को एक शख्स के साथ बैठकर इंटरव्यू देना पड़ा था और उस वक्त अरुणिता बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या यही वजह अरुणिता को फिर से सताएगी? अगर ऐसा हुआ तो पवनदीप पहले ही इंतजाम कर देंगे। क्या पवनदीप को अरुणिता के साथ जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।